कोरोना काल में हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाए और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड़ न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक। मंदसौर जिले की सेमलिया हीरा ग्राम पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण सरपंच प्रतिनिधि के साथ जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और पंचायत के खिलाफ झूठी शिकायत कर रहे हैं कुछ ग्रामीणों की शिकायत की। दरअसल सेमलिया हीरा के सरपंच प्रतिनिधि सत्यनारायण कुमावत और उनके साथ पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ही एक समुदाय के लोग जबरन पंचायती कार्यों में दखल कर रहे हैं व सरपंच सचिव पर दबाव बनाने का कार्य कर रहे हैं और झूठी शिकायतें अधिकारियों को गुमराह कर रही है, जबकि गांव में पंचायत ठीक कार्य कर रही है। जिला पंचायत पहुंचे ग्रामीणों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उक्त लोगों की झूठी शिकायतों को खारिज कर गांव का विकास सतत जारी रखा जाए। गौरतलब है कि मामले में कुछ दिन पूर्व सेमलिया हीरा के ग्रामीण दलोदा थाने पहुंचे थे, जिनका कहना था कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत का भ्रष्टाचार उजागर किया गया तो सरपंच उन पर पुलिस कार्रवाई का दबाव बना रहा है। मामला अब अधिकारियों के समक्ष से जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि सही कौन है और गलत कौन। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। मैं पंचायत के खिलाफ जो शिकायत हो रही बार बार झूठी शिकायतें, इसी के संबंध में जिला पंचायत सचिव पे आए हम के बार बार शिकायतें करनी करे और एक जना शिकायत करता है पूरे ग्रामवासी को साथ ना लेवे। व्यक्तिगत ही शिकायत का तो गांववासी कोई साथ नहीं है, पंचायत के साथ है, बाकी वो शिकायत में गांव वाले को लपेट रहे और कोई ऐसी पंचायत की शिकायत नहीं है, गांव वाले सब खुश है। क्या नाम आपका? दशरथ धनगर। साहब क्या मामला है? मामला ये है कि जो ये पाटीदार समाज के जो 6 व्यक्ति, राकेश पाटीदार, विष्णु पाटीदार, श्यामलाल पाटीदार, महेश पाटीदार, लोकेश पाटीदार, मुकेश धनोहर पाटीदार, ये 6 व्यक्ति पंचायत पे इतना दबाव डाल रहे हैं, ये बार बार जो शिकायतें कर रहे हैं तो ये खाली पाटीदार समाज को लेके आ रहे हैं और पूरे गांव को बदनाम कर रहे हैं। ये समाज पूरी घड़ी है, हर समाज से एक एक व्यक्ति ने आए आज तो ये शिकायतें कर रहे हैं, तो एक ही समाज क्यों शिकायतें कर रही भाई? अवैध अतिक्रमण इन्हीं के पास है, जो जमीन घेरी मेरे पे 20 लाख रुपए लेके आए थे इन्होंने, मैं नहीं माना, उसके बाद इन्होंने शिकायत कर दी जो उसकी पुलिस में कार्रवाई करी थी मैंने, उसलिए बार बार ये शिकायतें कर रहे हैं। और ये पटवारी से मिली भगत, मतलब पैसा दे के जो भी काम है, एक बार हमने कार्रवाई करी थी जमीन मक्ती की तो हमने पटवारी और तहसीलदार, हमें 11 बजे का समय दिया, इन्होंने पैसे दे दिए वहाँ जाके, पटवारी और तहसीलदार 4 बजे पहुंचे और पहुंचने के बाद मशीन लगा ली, मशीन लगाने के बाद फिर कह दिया कि नक्शा फटा हुआ आज नहीं मपे, वो जमीन आज दिन तक नहीं नपी। आज इसलिए हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है और सीओ साहब का भी दिया है। सोमवार को कोई उसमें सीओ अपने जनपद सीओ साहब आए थे और गिरदावर साहब आए थे, पटवारी थे और अधिकारी भी थे, तो उसमें इन्होंने 7:30 बजे तक तो जांच होने दी, जैसे इनका बयान खत्म हुआ इन्होंने विवाद छेड़ दिया, मतलब गुमराह कर दिया सबको।
वहाँ भी विवाद कर, पुलिस प्रशासन आई, फिर तालाबंदी भी कर दी थी वहाँ। मतलब किस करके विवाद ही चाहते गांव के अंदर। आपका नाम और पद? सत्यनारायण कुमार, सरपंच प्रतिनिधि।